ऑलराइट, सो आज के वीडियो में हम लोग लिनक्स के एलएन कमांड के बारे में बात करेंगे, जो कि होती है लिंक नेम, जिसको यूज करके हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट टाइप के लिंक्स बना सकते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक्स है, स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट में कहीं तो काम कर रहे होगे लिनक्स सर्वर्स पे, आपको ऐसी काफी सारी लिंक्स देखने को मिलेंगी, या तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी लिंक्स बना सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर लिंक्स इन लिनक्स। अ कनेक्शन बिटवीन अ फाइल नेम एंड द एक्चुअल डेटा ऑन द डिस्क, ठीक है, वी कैन कॉल इट अ शॉर्टकट। सो नॉर्मली हमने विंडोज में जो डेस्कटॉप होता है वहां पे शॉर्टकट्स देखे, ठीक है। सो वहां शॉर्टकट में जब भी आप डबल क्लिक करते हो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, बट एक्चुअली में वहां डेटा नहीं होता है, सिर्फ एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, तो जो कि एक ओरिजिनल डेटा को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। वैसे ही लिनक्स पे भी हम लोग ऐसी लिंक्स बना सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो कि एक्चुअल डेटा को पॉइंट कर रहा है, एंड इसका यूज सिंपली इतना है कि हम इजी टू एक्सेस है, या तो हम लोग को कुछ फाइल्स में रीनेम करना हो तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दो टाइप्स के लिंक्स होते हैं जैसे कि हम लोग ने देखा, लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक्स, ठीक है। सबसे पहले कवर करते हैं सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सॉफ्ट, सो इसका मतलब है कि लिंक विल बी रिमूव्ड इफ ओरिजिनल फाइल रिमूव्ड और डिलीट। सो हम लोग एक लिंक बना रहे हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट बना रहे हैं एंड उसको पॉइंट कर रहे हैं ओरिजिनल डेटा से। अब ओरिजिनल डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो वो लिंक वहां पर टूट जाएगी, ठीक है, उसी को हम लोग सॉफ्ट लिंक कहते हैं, ठीक है। उसको सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, ln-s, ठीक है। सो हम लोग क्विकली अपने टर्मिनल पे देख लेते हैं। यहाँ हम आप अपने टर्मिनल पे आ गए, मैं एज अ पॉल यूजर लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, lshltr करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मेरी कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर वन है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फोल्डर वन के अंदर जाता हूँ एंड उसके बाद फोल्डर टू है, उसके अंदर फोल्डर थ्री है, ठीक है, एंड इसके अंदर lshltr करता हूँ। सो मेरी एक फाइल है माई फाइल नाम की, समझ लो मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है, ठीक है। मुझे जब भी एक्सेस करनी है pwd में करके दिखा देता हूँ, तो मुझे इतने सारे फोल्डर्स के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ 3 फोल्डर है, एक्चुअल केसेस में बहुत ज्यादा फोल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने होम फोल्डर में जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेम्प फोल्डर, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं आपको लिंक बना के दिखाऊंगा, बट इन एक्चुअल आप किसी भी फोल्डर में लिंक्स बना सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ln-s, इसके बाद ओरिजिनल डेटा की लोकेशन, ठीक है। सो ओरिजिनल डेटा की लोकेशन क्या है, होम पॉल फोल्डर वन फोल्डर टू फोल्डर थ्री एंड उसके बाद माई फाइल, ठीक है। इसके बाद आपके सॉफ्ट लिंक का नाम होना चाहिए। सॉफ्ट लिंक का नाम अगर नहीं दोगे तो जो फाइल का नेम है वही आपका सॉफ्ट लिंक का नाम हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्ट लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे lshltr आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो एक सॉफ्ट लिंक बन गई है, ठीक है, जो कि हम लोग ने नाम दिया था, एंड वो पॉइंट किसको कर रही है, देखो ये पॉइंट पॉइंटर है, ये पॉइंट किसको कर रही है, होम पॉल एंड उसके अंदर फोल्डर थ्री फोल्डर मतलब फोल्डर वन फोल्डर टू फोल्डर थ्री एंड उसके अंदर माई फाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका टाइप भी देखोगे, ठीक है, ये फाइल का, तो ये है लिंक, ठीक है, तो यहाँ पे एल देख सकते हो। तो साइड में मैंने एक और टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे मशीन एंड यूजर सेम है, ठीक है, और हम लोग क्या है साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो मैं राइट साइड में क्या करता हूँ, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, फोल्डर वन के अंदर फोल्डर टू के अंदर फोल्डर थ्री के अंदर जो हमारी फाइल है माई फाइल, उसको हम लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट लिंक है, यहाँ पे हमारे पास माई फाइल, ठीक है। अभी हम लोग कैट करके देखते हैं कि इसमें कोई कंटेंट है कि नहीं, माई फाइल कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंड यहाँ पे कैट करते हैं सॉफ्ट लिंक, तो यहाँ भी कोई कंटेंट नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फाइल में मैं कोई टेक्स्ट एडिट करता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इको हेलो बडी एंड इसको मैं माई फाइल में राइट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद मैं उसको कैट करता हूँ माई फाइल, ठीक है, हेलो बडी, एंड इसके बाद मैं कैट करता हूँ सॉफ्ट लिंक, सो हेलो बडी। सो ये होता है यूज ऑफ सॉफ्ट लिंक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेंजेस कर रहे हो एंड उसका चेंजेस यहाँ भी दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये पॉइंटर है, ठीक है, ये एक्चुअल फाइल नहीं, ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर, ओके, एंड ये पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्टरी में, ठीक है। एंड अगर आप सॉफ्ट लिंक में कुछ चेंजेस करो लाइक हेलो ब्रो एंड सॉफ्ट लिंक, ठीक है, अगर मैं कैट करता हूँ सॉफ्ट लिंक हेलो बडी हेलो ब्रो, अगर मैं कैट माई फाइल करता हूँ हेलो बडी हेलो ब्रो, आप सेम ऑपरेशंस भी कर सकते हो, जैसे रीड राइट यहाँ इस सॉफ्ट लिंक से भी कर सकते हो। तो इन दिस वे आप
सॉफ्ट लिंक को यूज करके अपने फाइल्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लोकेशन देखोगे, सो पॉल मतलब ये जो होम डायरेक्टरी, उसमें सिर्फ आपको टेम्प फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको इतने सारे फोल्डर्स के अंदर जाना है, ठीक है। सो आपको एक्सेस का जो ईज है वहां पे सॉफ्टवेयर लिंक्स में मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग ने एक चीज और देखी थी कि अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट होती है सो आपकी लिंक भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ LSLTR। यहाँ पे आपको ब्लू कलर अभी दिख रहा हुआ एंड यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा हुआ, ठीक है। एंड मैं जैसे ये रिमूव माई फाइल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी माई फाइल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आप LSLTR करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर में दिखा दिया कि यहाँ पे जो आपकी लिंक थी वो ब्रेक हो चुकी है। एंड अगर आप चाहो सो लिंक को भी डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव सॉफ्ट लिंक कर देता हूँ एंड LSLTR करता हूँ, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हार्ड लिंक, ठीक है। सो हार्ड लिंक रीनेमिंग डिलीटिंग और रिमूविंग द फाइल विल नॉट इफेक्ट द लिंक। तो जैसे कि सॉफ्ट लिंक में देखा कि ओरिजिनल फाइल जैसे ही हम लोग ने डिलीट करी तो वहां पे सॉफ्ट लिंक ब्रेक हो गई, बट हार्ड लिंक पे ऐसा नहीं होता है। और हार्ड लिंक बनाने के लिए हम लोग सिंपल LN कमांड यूज करेंगे, या हाइफन एस वहां पे नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अगर मैं किस लोकेशन में PWD करके दिखा देता हूँ, जो होम पॉल है उसके अंदर टेम्प डायरेक्टरी में, एंड यहाँ पे PWD करता हूँ, सो होम पॉल folder 1 folder 2 folder 3 folder 4, ठीक है। एंड इसके अंदर एक फाइल है मेरी हार्ड लिंक टेस्ट फाइल नाम की, एक फाइल मैंने बनाई, ठीक है। तो अभी टेम्प में LS करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हार्ड लिंक बनाने के लिए तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली फाइल एक्सेस करनी है हमेशा, या तो काइंड ऑफ अ बैकअप भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं LN एंड उसके बाद आपको टारगेट फाइल का लोकेशन, ठीक है, सो folder 1 folder 2 folder 3 folder 4 एंड उसके बाद हमारी फाइल का नेम क्या था, हार्ड लिंक टेस्ट फाइल, ठीक है। अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहो तो हार्ड लिंक का नाम दे सकते हो, अगर नहीं दोगे सेम जो फाइल नेम होगा ना वही नाम का आपका हार्ड लिंक बन जाएगा। जो इस बार मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे LSLTR करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एज ए नॉर्मल फाइल ही दिखेगी, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा लिंक ऐसा अलग से दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, बट आपको चेंजेस समझ में आएंगे, कैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर आप ये सोच रहे होगे कि यार इस लोकेशन में भी सेम फाइल है, इस लोकेशन में भी सेम फाइल है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक मैं कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ बैकअप रखने के लिए, सो मैं लिंक का क्या यूज है। तो हम लोग यहाँ पे कैट हार्ड लिंक टेस्ट फाइल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट नहीं है एंड यहाँ पे भी हम लोग कैट करते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं फाइल में कुछ राइट कर लेता हूँ, पहले हाय राजू, एंड इसके बाद मैं हार्ड लिंक टेस्ट फाइल में कर देता हूँ राइट, ठीक है। अब मैं कैट करता हूँ हार्ड लिंक टेस्ट फाइल, ठीक है। सो राइट साइड में आप देख सकते हो फोल्डर 4 के अंदर जो फाइल है उसका कंटेंट क्या है, हाय राजू, एंड यार टेम्प के अंदर जो हमारी लिंक थी, ठीक है, अगर मैं इसको हार्ड लिंक टेस्ट फाइल करता हूँ तो यहाँ पे हाय राजू आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल फाइल। बट सॉफ्ट लिंक के केस में क्या हुआ था, जब हम लोग ने जैसे ही ओरिजिनल फाइल डिलीट करी थी वो लिंक वहां पे ब्रेक हो गई थी। अब अगर हम यहाँ पे रिमूव करके देखें हार्ड लिंक टेस्ट फाइल, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखें ये वाली जो हमारी लिंक ऑलरेडी अभी भी है, अगर इसको मैं कैट करता हूँ सो इसका कंटेंट अभी भी है। सो ये काफी एक सेफ वे हो सकता है एक बैकअप का, या तो एक रेप्लिका मेंटेन करने का किसी फाइल में। ऑलराइट, सो कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसको और कैसे अलग अलग वे में यूज कर सकते हो। वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।